हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू इन NC4 नर्सिंग ऑफिसर। दोस्तों, हम एक फिर से न्यू वैकेंसी के साथ हैं, जो कि हम सबसे पहले यहाँ आपको अपडेट देते हैं। तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और वो घंटी का निशान दिख रहा है उसको भी दबा लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट दिया जाता है। और यदि आप हमें फेसबुक पेज पर भी देखते हो तो वहाँ हमें फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल पे हमें सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ। तो चलिए हम वीडियो यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं, और आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि फुल डिटेल में हम बात करेंगे यहाँ पर। और यदि कोई भी आपसे पॉइंट मिस हो जाता है या समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कॉमेंट्स करना और शेयर करना। तो चलिए हम यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं। वैकेंसी हैं वो गवर्नमेंट ऑफ आसाम से हैं, और यहाँ पर वैकेंसी हैं वो स्टाफ नर्स और आईसीयू टेक्नीशियन की यहाँ वैकेंसी हैं। यहाँ फॉर्म स्टार्ट जो डेट है वो 30 जून से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, एंड आपके जो फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी वो 15 जुलाई रहने वाली है। और यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी रहने वाली हैं, तो आप ज़रूर से अप्लाई करें। ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हो। यदि आपको कोई भी फर्दर क्वेरी करनी है या फिर लेटेस्ट अपडेट्स आपको वहाँ से जानने हैं, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहेगा टाइम टू टाइम। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे स्टाफ नर्स की पोस्ट की। जैसा कि आप देख सकते हो, क्रिटिकल केयर के लिए यहाँ पे इनवाइट किया गया है, और ऑनलाइन ही एप्लीकेशन, आपको जो फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन ही फिल करना है, और कोई भी मोड से आपके फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो इसलिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है 30 जून से 15 जुलाई तक। हम बात कर रहे थे स्टाफ नर्स की पोस्ट की। यहाँ पर क्रिटिकल केयर के लिए आपसे इनविटेशन मांगे हुए हैं, या जो एलिजिबल या मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मांगी हुई है वो BSc नर्सिंग कैंडिडेट्स यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना जरूरी है, एंड रजिस्टर्ड विद आसाम नर्सेज मिडवाइफ एंड हेल्थ विजिटर काउंसिल्स। यहाँ पर जो आसाम नर्सिंग काउंसिल है वहाँ से भी आपका रजिस्टर्ड होना जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे हैव रजिस्टर्ड है तो मस्ट ही है यहाँ पर, तो आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। उसके बाद में हम यहाँ बात करेंगे आपकी सैलरी की। तो यहाँ आपकी सैलरी रहेगी वो 14,000 से लेकर 60,500 रुपये पर मंथ, प्लस आपके जो ग्रेड पे यहाँ रहेगी वो 8,700 रुपये रहने वाली है। उसके बाद में यहाँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंट जो पोस्ट हैं, खाली यहाँ पोस्ट हैं वो 484 यहाँ पोस्ट हैं। तो काफ़ी बड़ी संख्या में ये वैकेंसी हैं, तो आप ज़रूर से अप्लाई करें। इनको कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन दिया गया है वो आप यहाँ देख सकते हो। अनरिजर्व कैटेगरी के हैं 194 हैं, OBC MOBC के हैं वो 121 हैं, SC के हैं वो 29 हैं, एंड STP के हैं वो 48 हैं, STH के हैं वो 24 हैं, EWS के हैं 48 हैं, एंड फिजिकल हैंडीकेप्ड के हैं वो 20 हैं। आप यहाँ देख सकते हो फिजिकल हैंडीकेप्ड की भी 20 है, यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे आईसीयू टेक्नीशियन की। तो यहाँ पर HSSLC जो स्टैंडर्ड होता है वो क्लियर होना चाहिए आपका, जो गवर्नमेंट ऑफ आसाम में जो ये स्टैंडर्ड है 10th या 12th है वो आप देख लेना। और यहाँ पर डिप्लोमा होना ज़रूरी है आपका आईसीयू के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। यहाँ पर ऐसा कुछ क्लासिफाई नहीं किया गया है कि ओनली आसाम के कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ सैलरी आपकी रहेगी वो 14,000 से लेके 60,500 रुपये पर मंथ रहेगी आपकी। यहाँ ओनली ग्रेड पे थोड़ी कम है 6,200 रुपये, अदरवाइज आपकी सैलरी है वो स्टाफ नर्स के बराबर ही है। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंट पोस्ट हैं वो 125 हैं, तो ये भी काफ़ी बड़ी संख्या वैकेंसी हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो रिजर्वेशन कैटेगरी, तो अनरिजर्व की हैं 50 पोस्ट हैं, OBC MOBC की हैं वो 31 है, SC के हैं वो 8 हैं, STP के हैं वो 13 हैं, STH के हैं वो 6 हैं, EWS के हैं वो 12 हैं, फिजिकल हैंडीकेप के हैं वो 5 है। तो आप ज़रूर से अप्लाई करना है वैकेंसी। यहाँ वुमेन के लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा स्पेशली अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स, एंड एज क्राइटेरिया यहाँ पर 18 to 38 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे, और ये आप देख सकते हो। और आपकी जो एज काउंट की जाएगी यहाँ पर वो 1 जनवरी 2020 से की जाएगी। यदि उसके बाद भी आप अपर एज लिमिट पा जाते हो, तो आपको कैटेगरी वाइज थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है एज़ पर द गवर्नमेंट रूल्स। कॉलेज
कुछ यहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस हम देख लेते हैं। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं उनको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है बिफोर द लास्ट डेट 15 जुलाई से पहले पहले आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल विल हैव टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इफ कॉल्ड फॉर, एंड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा आर टू बी सबमिटेड। मीन्स यहाँ पर जब आप फॉर्म अप्लाई कर दोगे वहाँ पर आपको जब बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो सर्टिफिकेट्स हैं उनकी फोटोकॉपीज लगानी है। उसके लिए आप यहाँ देख सकते हो चेकलिस्ट दी हुई है इन्होंने, तो चेकलिस्ट की हम बात कर लेते हैं। टू कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, आपको दो फोटो लेके जाने हैं पासपोर्ट साइज के कलर फ़ोटो जो आपने अपलोड किए हैं फॉर्म भरते टाइम पे, वही फ़ोटो आपको लेके जाने हैं। एडमिट कार्ड लेके जाने हैं, आपको HSLC का जो बर्थ सर्टिफिकेट का प्रूफ होगा मतलब 10वीं का 10th क्लास का, आपको मार्कशीट या सर्टिफिकेट लेके जाना है, या एडमिट कार्ड है तो एडमिट कार्ड आप लेके जा सकते हो। ऑल मार्कशीट लेके जानी है आपको, पास सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाने हैं, नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन लेके जाना है जो सर्टिफिकेट है आपका, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको, दिव्यांग सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, इकोनॉमिकल जो बीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट है EWS का वो भी आपको लेके जाना है, एंड परमानेंट रेजिडेंसिप सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ लेके जाना है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट www.dme.assam.gov.in पर आपको रेगुलर विजिट करना है ताकि आपको जो रेगुलर फर्दर कोई भी मतलब अपडेट्स वहाँ पर आपको पब्लिश किया जाता है तो आप भी उसको रीड कर पाओ अच्छे से और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो, इसलिए आपको वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट्स करना, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, फिर मिलेंगे ऐसी किसी न्यू वैकेंसी के साथ में। सबसे पहले